और क्या हुआ जी, डेट पार हो गया फिर भी बोल रहे थे कि नहीं अभी बाबू नहीं अभी आया, अभी अस्पताल में अभी नहीं, 2 दिन बाद आए पर आएगा ही आएगा, आज ही आ जाएगा। और दोस्तों पता नहीं कब क्या होगा, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि देखिए माँ बनना या मौसी बनना पता नहीं, पता नहीं है, कष्ट में नंदिनी जी अभी क्या बताए दोस्तों। अब उनको डेट दिए थे शायद 13 तारीख का, डॉक्टर क्या है तो फिर बोली ना दीदी को थोड़ा पेन उन हो रहा है, दर्द उर्द हो रहा है इसके वजह से, यानी कि हमारे दीदी और जीजू के बारे में, और उनका आप लोग को पता है एक नन्ना मुन्ना मेहमान भी आने वाला है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, तो स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो आज सभी का हमारे पूरे फैमिली की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह आज उठ गए हम लोग, किस दिन लेट हो जाते हैं, 9 बजे 10 बजे और अभी उठ कर भी आज बाहर नहीं निकले, अभी पूरा जस्ट अभी कमल में ही है दोस्तों, विद्या रानी भी है और आदित्य बाबू भी आज आएगा हमारे पास, क्योंकि बाबू को ना सर्दी जुकाम हो रखा है, इसीलिए थोड़ी मुझे अपने बेटे के बिना ना दोस्तों बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, बहुत उसके बिना एकदम लग रहा मेरे घर एकदम। दोस्तों ये वीडियो में एकदम पूरा बना रहिएगा, इसमें और खास चीज देखने को है, देखने को भी है और बोल बताने भी, बताना भी आप लोग, और हम लोग बात करके पूछेंगे भी दोस्तों कि क्या है क्या नहीं है। और आज हम बात करने वाले हैं नंदिनी आशीष यानी कि हमारे दीदी और जीजू के बारे में, और उनका आप लोग को पता है एक नन्ना मुन्ना मेहमान भी आने वाला है, और कब आएगा कैसे आएगा वो सब चीज मैं आप सभी को बता दूंगी, अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता, है। पर अभी सुबह ही मतलब मम्मी से अपनी बात कर रही थी तो मम्मी बोली कि नन्ना मुन्ना आने वाला है बेटू, मतलब दीदी मतलब मम्मी को मैं कॉल की थी ना अभी, तो मम्मी को मैं पूछी काम पे, मम्मी मेरे काम पे जाती है आप लोग को तो पता ही है दोस्तों, क्योंकि उनके भी कुछ मजबूरी है तो काम पे जाना पड़ता है, तो मम्मी बोली कि आज मैं काम पे नहीं गई, मैं बोली क्यों, तो बोली कि ना ऐसी कुछ बात है, मैं बोली कुछ बात है तो मैं समझ गई कि इसका मतलब क्या है, तो फिर बोली ना दीदी को थोड़ा पेन उन हो रहा है, दर्द उर्द हो रहा है इसके वजह से नहीं गई, और देखिए अब आगे क्या होता है, अब फिर फोन करूंगी, अभी तो मम्मी से बात की, दोबारा हम लोग फोन करके पूछते हैं दोस्तों कि क्या है क्या नहीं। चलिए भी दोस्तों वीडियो कंटिन्यू बने रहे। तो दोस्तों फाइनली काफी टाइम हो गया है, हम लोग जाग तो गए थे कब का ही सवेरे, और अभी खाना वाना भी खा लिए है ना, रोटी सब्जी बनाई थी और दोस्तों अभी नंदिनी जी का बात बताना है आप सभी, और देखिए हमारी बिटिया रानी को आने वाला है भाई की बहन, वो तो पता नहीं, वो तो ऊपर भगवान जो चीज देंगे वो चीज आएगा है ना, पर देखिए दोस्तों और आप लोग गेट पार कर गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी अभी मतलब कुछ बहुत पता नहीं, पता है, नहीं है, कष्ट में नंदिनी जी अभी क्या बताए दोस्तों। अब उनको डेट दिए थे शायद 13 तारीख का डॉक्टर, और 13 14 दोस्तों पता नहीं कब क्या होगा, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि देखिए माँ बनना या मौसी बनना बहुत खुशी की बात होती है, तो देखिए जब गुल्लू भी होने वाला था ना तो उस टाइम तो बात उत भी नहीं होता था मम्मी पापा से, पर फिर हम लोग उस टाइम यूट्यूब भी नहीं बनाते, फिर भी मैं ना वो मतलब गुस्सा से ना मतलब मैं फोन कर रही थी अपने फोन से तो वो फोन नहीं उठाई थी, मैं दूसरे के फोन से फोन की, तब जाकर मुझे पता चला कि उनका बाबू हुआ है, फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि गुस्सा से, किसी को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि मम्मी पापा सामने में थे, फिर भी बाबू उसका हुआ था तो कोई नहीं गया क्योंकि पापा उस टाइम में, इस बार दोस्तों देखिए इस बार सब फैमिली सब साथ में है, वो नहीं क्या होगा क्या, मम्मी उम्मी सब लोग, अब बात उस सब तो होता है तो मम्मी उम्मी 100% है की जाएगी जाएगी, जब मेरा बाबू हुआ था बिहार में तब इतना दूर आई थी तो सामने में है तो नहीं, लेकिन तेरा बाबू हो गया था तब तेरा माँ आई, तो क्या हो, मैं जाने वाली थी, बच्चा पहले हो गया तो मेरी माँ का गलती है बता, अदिति हो गई थी तब नानी आई थी ना बेटी, हम लोग का ट्रेन था 30 तारीख का और ये हो गई 27 तारीख है ना, क्योंकि हम लोग टाटा ही जाने वाले थे तो, लेकिन वैसा से पहले ही आ गई थी बिटिया रानी, ये बोली मैं नानी घर नहीं जाऊंगी पर नानी घर जाऊंगी, और मेरी तो दोस्तों अभी नंदिनी का बात है और फोन भी करना है हमारे पास, एक फोन में बगल से चल फोन मांग के लाती पहले ठीक ना, और उनसे फोन करके पूछूंगी दोस्तों क्योंकि मुझे पता तो है नहीं अभी कुछ, पर मैं फिर तो दोस्तों चलिए हम लोग लगाते हैं नंदिनी को फोन फाइनली, मतलब कि मैं देखिए दूसरे के घर से फोन मांग के लेकर आई हूँ, पर फोन करके मैं आप सभी को बताती हूँ दोस्तों क्या देखिए आवाज सॉरी
आवाज लगा देती हूँ पर ना मन नहीं दिखा सकती हूँ ना उनका। मेरी चार्ज भी खत्म होने वाला है तभी नंदनी को लगा रहे हैं फोन दोस्तों, पता करते हैं कि कब होगा बाबू। हेलो नमस्ते, और बोलिए और सब बढ़िया, और सब बढ़िया है, और क्या हुआ जी? डेट पार हो गया फिर भी बोल रहे थे कि नहीं अभी बाबू नहीं अभी आया, अभी अस्पताल में अभी नहीं आया है। चलिए कोई नहीं, सब जो होगा बस पता। हाँ जांच के लिए गए हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर लिख रखे थे ना, इसके लिए गए हैं। ठीक है चलिए कोई नहीं, क्या हो कब हो तक आता है आपका नन्ना मुन्ना। हाँ कब आएगा ही, अभी आए चाहे कुछ हो, एक दो दिन बाद आए पर आएगा ही आएगा। आज ही आ जाएगा, चलिए कोई नहीं, ठीक है तब बाद में करेंगे कॉल। ठीक है अभी उधर देख लीजिए पहले। तो दोस्तों देखिए अभी मतलब चेकअप के लिए गए हुए हैं मतलब हॉस्पिटल। कि जैसे मतलब जब पेन होता है दोस्तों, तो मैं आप लोग को बोली थी सुबह में कि मतलब दर्द दीदी को हो रहा है, पर अभी पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। अभी मतलब कि अंदर मतलब जब प्रेग्नेंट जब दर्द होता है ना पेन, तो अंदर चेक करने के लिए नर्स लोग बुलाते हैं। इन लोग को क्या पता हो, जो दुख होता है दोस्तों औरत को उन्हीं लोग को पता है दोस्तों कि कितना दर्द से एक माँ बनती है। तो वही अभी गई होगी दीदी अंदर, और शायद मम्मी भी साथ में ही है, पर अभी वो बाहर में थे तो इसी की वजह से कुछ बोले नहीं हमें। पर वो कुछ भी बात होगा दोस्तों, बोल तो रहे कि आज ही बाप हो जाएगा, पर कब तक होगा ये पता नहीं है। वो तो जब तो आने वाली रहेगी तब वो आ जाएगा। पर अब दोस्तों ये मतलब मैं तो इतना दूर में हूँ, इतनी दूर में मैं हूँ कि जा भी नहीं सकता, कि मैं जा भी ना, अगर बिहार में रहती ना तो जाती भी, बाबू हो जाता ना तो जाती भी देखने के लिए। क्योंकि ना क्या बताया, मौसी बनना, एक तो गुल्लू जब हुआ था ना तो हम लोग उस समय उनको साथ नहीं दे पाए थे, और अभी दूसरा बेबी आने वाला है। और कब तक आपको कैसा लग रहा है? मौसा बन जाएंगे तो खुशी तो लग रहा है दोस्तों। हम लोग का बिटिया रानी का आएगा, कौन आता, भाई आता है कि बहन आता है तो पता नहीं दोस्तों। और भगवान देखे दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कि क्या होना चाहिए तो अच्छा होगा, और आप लोग को भी थोड़ा लगना चाहिए कि बेबी कौन सा आए तो सही भी है, और आप लोग कितने लोग का अंदाजा भी मिल जाता है। बिटिया रानी बताएगी कहाँ आएगा भाई की बहन, मोबाइल में लगी हुई है, ये कुछ भी नहीं बताएगी। और दोस्तों देखिए हमारी बिटिया रानी, और क्या बताए आप लोग को, कब आएगा बेबी, उनका डेट भी पार होते जा रहा है। कैसे माता रानी आज अगर वो हॉस्पिटल गई है तो भगवान करे खुशखबरी वापस आ कर वो घर आए ना। क्योंकि देखिए दोस्तों उनको ऑपरेशन का भी डॉक्टर चांस दे रहे थे, पर अभी तो अंदर चेक करने के लिए मतलब जाता है, तो वही चेक उक के लिए गए होंगे। अब देखिए बहुत दिल भी घबरा दोस्तों, सुबह से उठी हूँ ना, सुबह से बस इसी में फोन कभी। चलिए दोस्तों और कुछ नया खबर खुशखबरी आएगा तो मैं दूसरे वाले ब्लॉग में बताऊंगा। और वो भी चीज आप लोग को अगर आज आ गया बेबी दोस्तों, तो अगले वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, पक्का 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 है कि आप लोग को पता चल ही जाएगा कि बेबी आया या नहीं आया। तो दोस्तों हमें भी बेसब्री से इंतजार है, और आप लोग को भी बेसब्री से इंतजार होगा ही, तो आप लोग भी हमारे वीडियो में बने रहिएगा और उनके भी वीडियो में बने रहिएगा, क्या पता दीदी के वीडियो में पहले आ जाए ना। तो दोस्तों ज्यादा ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। और दोस्तों एक माँ का कष्ट, एक औरत का कष्ट औरत ही जान सकते हैं दोस्तों, अभी कितना वो कठिन वक्त से गुजरेगी ना। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।